उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धंसने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंचकर टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे भी मौजूद रहे। श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने और मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कंप्रेसर के माध्यम से श्रमिकों के लिए खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति की जा रही है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। अभी सभी लोग जो अंदर हैं, अमित भाई, सभी सुरक्षित हैं और बचाव का काम तेज़ी से चल रहा है। मलबा हटाने का काम, रास्ता बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है। सभी एक्सपर्ट एजेंसियां लगी हुई हैं। केंद्र सरकार भी पूरी तरह से और राज्य सरकार पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में गंभीर है और हर प्रकार से जो भी संभव हो सकता है वो सब कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर चिंता व्यक्त करी है, उन्होंने बाकी विस्तृत जानकारी ली है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकाला जाए। और मैं सभी जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिकजनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको सुरक्षित निकाला जाए। और जब से घटना हुई लगातार मैं इसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं भी कर रहा हूं, लगातार संपर्क कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, रेलवे मंत्री जी ने लगातार हमसे संपर्क किया है। और जो भी एक्सपर्ट लोग, जो अन्य एजेंसियां जो टनल के क्षेत्र में काम करती हैं, टनल के एक्सपर्ट हैं, उन सब से भी वार्ता भी कर रहे हैं, वो आ भी रहे हैं। हमारा जो RVNL है यहाँ पर, जो बड़े रेलवे लाइन जो सुरंग पर ही बन रही है, वो भी सब लोग आ गए हैं। अभी होम पाइप इत्यादि की जो यहाँ पर अभी आवश्यकता है वो भी जल्दी यहाँ पर पहुँचाई जाएगी।